घटा ना बादली कोई अंबर में हरिया बूंद कड़े काई और गोपी चंद होया तैयार नान ने चौकी तुरंत में छाई देखा छज्जे पर उसकी माँ मैं ना मंती रोन लाग रही नंग शरीर था गोपी चंद अपनी माँ के पास छज्जे पर पहुंच जाता है और अपनी माँ से एक बात के द्वारा पूछता है स्त्रियां भला एक दुख से हो मन बता दे मने बता दे क्यों मेरी माता रोई बहुत घना समझाया यो मने रुकता ना निरे मोही आके दुख से वो मने बता दे बता दे तू मेरी माता रोई बहुत घना समझाया यो मन रुकता ना निरे मोही एक दुख से वो मन बता दे तू मेरी माता रोई बहुत घना समझाया यो मन रुकता ना निरे साची साथ बता दे मन की साची साथ बता दे मन की माता पात छुपावे से क्यों कर कह दूं मन की बात मेरा ही पात के आवे से ये ऐसी कुन सी बात होई माँ जो इतनी घबरावे से को तेरे ते करना चावे और कहना भी चावे से तेरी संख्या क्यों उपजावे से संख्या क्यों उपजावे से क्यों इतनी रकुल होई बोल कया हो मने बता दे उसका नाम इसी कहानी ही कोई नहीं से जो तू छो माने बेका इतने बात पूछ नहीं लूंगा इतने बात पूछ नहीं लूंगा यो खोजा आवे मने आराम बहुत हठिला जानू सू बात टरन कौन दे जाम सहे तड़के की आज हो जा श्याम सहे तड़के की आज हो जा श्याम मन परवा को ना कोई बहुत घना समझ आया यो मन
खोल के मने बता दे, ईब खोल के मने बतावा कुन सा दुख तन खारिया से। हारी नगरी मैं बेटा तेरा मामा भरतरी आर्या से, ये आर्या से तो आया रहेगा ओ तेरा के ठार्या से। भक्ति जोगी लिए हांडे से भगमा बाणा धार्या से, दिखे उसका दुख तड़ भार्या से, उसका दुखी तड़ भार्या से, तू जाते खोई खोई। वो तो घना समझ आया यो मने रुकता ना निरे मोई, एक दुख से वो मने बता दे क्यों मेरी माता रोई। वो तो घना समझ में, मेरे बात समझ में ना आई क्यों तेरा फिका चेहरा से। उसका इब मन है कोई दुख ना, दुख मन बस तेरा से। कह राजेश सिंह परिया मैया हर्ज बता के मेरा से, जीवन ने कर बाद कर रहा इसका ना तन मेरा से। क्या कागज